सिलीगुड़ी प्रांत घने जंगलों और पहाड़ों से बहुत सुंदर दिखती है। सिलीगुड़ी में जीवन जी 100 एकड़ भूमि में नारियल खेत के मालिक हैं। गांव में सभी लोग जीवन जी की बहुत इज्जत करते हैं। वे जो कहते हैं सभी उसे मानते हैं। जीवन जी की पत्नी है मधुमती, उनका एक ही बेटा है, वो है संजय। संजय पैदाइश से ही गूंगा और बहरा है, लेकिन बहुत समझदार है। कई डॉक्टरों को दिखाने पर भी वे कहने लगे कि वो कभी सुन नहीं पाएगा, ना ही वो बोल पाएगा। यही एक वो कमी थी। इसके अलावा जीवन जी के जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। ऐसे में एक दिन रात को संजय एक बड़े से तारे को उनके नारियल के खेत में गिरते हुए देखा। ये देख वो बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे चिल्लाते हुए आकर अपने माता पिता को बताया। माँ, माँ, बा, 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 बा। संजय क्या कह रहा है ये उनको समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो देखकर डर गया है ये बात उनको समझ में आ गई। जीवन तुरंत अपना गन लेकर संजय के दिखाए रास्ते की ओर जाने लगा, साथ में मधुमती भी जाने लगी। ग्रांतवासी बेहोश होकर पड़े हुए थे, उनकी स्पेसशिप गिर गई थी। ये तो एलियंस लग रहे हैं, जल्दी से पुलिस को बताना होगा। हाँ, पुलिस के आते आते शायद ये मर जाएंगे जी, पहले उनको बचाना होगा। वो उनको अपने साथ अपने घर ले गए। वे बिल्कुल भी होश में नहीं थे, उनके शरीर भी बेजान शाखाओं की तरह झुक जा रही थी। उनके कानों से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। वे कमजोरी की वजह से आंखें खोल और बंद कर रहे थे। उनको पानी, दूध, खाने के लिए अंडे और मछली देने पर भी वे कुछ नहीं खा रहे थे, ना ही कुछ पी रहे थे। असल में ये क्या खाते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूख के मारे तो ये लोग मर जाएंगे। डॉक्टर को लेके आता हूँ। कौन सा डॉक्टर को लेकर आएंगे, पशुओं के डॉक्टर को या फिर मनुष्य के डॉक्टर को? ऐसा क्यों कह रही हो? फिर वे मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, एलियंस, इसलिए डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं? हाँ सही में, हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। हाँ मेरे भैया स्पेस साइंटिस्ट है ना, मेरे आनंद भैया को कॉल कीजिए। हाँ हाँ यस यस, आनंद जीजाजी ये कर सकते हैं। वे लोग आनंद को कॉल करके सारी बातें बताते हैं। डॉक्टर आनंद मधुमिता के भाई हैं, गवर्नमेंट स्पेस साइंटिस्ट, अंतरिक्ष में जीवन शैली पर शोध कर रहे हैं। जीवन के इस विषय को बताते ही वो बोलते हैं, जीवन तुम्हारे पास आने के लिए मुझे 3 घंटे लगेंगे, तुम लोग तब तक उन्हें कमरे में एक बंद कर दो, उन्हें छूना मत। जीजा जी वो क्या है कि है, मैं और मधु उन्हें छुए हैं। ओके ओके, अपने हाथों को सैनिटाइज कर लो, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर आनंद के आते आते वे पूरी तरह से बेहोश हो गए थे।
उन्हें कोई मशीन में लगाकर रीडिंग करके सिरिंज से उनकी ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। इनके हार्ट बीट नहीं है फिर भी जिंदा है, इसका मतलब हमारे जैसा हार्ट ना होकर कुछ और ही इनको जिंदा रखा है। मैंने जो बॉडी स्कैन किया है उस रिपोर्ट को मुझे चेक करना होगा, इनके ब्लड सैंपल्स को चेक करना होगा। मैं अपने लैब में जाता हूँ, तब तक आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, न्यूज चैनल वालों को भी बता दीजिए। एलियंस की सैंपल कलेक्ट करके आनंद वहां से चले गए। तब तक काफी देर हो गई थी। पुलिस को कल सुबह बुलाने की सोचकर उन्हें कमरे में बंद करके वे तीनों दूसरे कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह जीवन नींद से जागकर देखा तो उनकी घड़ी रुकी हुई थी। टीवी चलाने की कोशिश की तो वो नहीं चल रही थी। घर के सारे रिमोट में बैटरीज नहीं थी, इन्वर्टर बैटरी टूटी हुई थी, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। अरे ये तो अजीब बात लग रही है, बैटरीज को कौन ले गया? ऐसा कहते हुए एलियंस के कमरे के दरवाजे खोलकर देखा। मधु मधु जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये उठ गए, आओ जल्दी। मधु आकर देख रही थी, वे उन्हें देखकर डर के मारे जोर की आवाजें कर रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मधु और जीवन अपने कान बंद कर लिए। एलियंस दोनों गुस्से से इनकी ओर ही आने लगे। संजय अपने हाथों में बैटरी लाकर उनके आगे अपनी हाथ फैलाई। बाला माँ संजय को इस तरह बातें करते हुए देखकर वे लोग संजय के पास आए। उनमें से एक अपने दोनों हाथों को संजय के कानों पर रखा और दूसरा एलियन संजय के मुंह पर हाथ रखा। आश्चर्य की बात यह है कि संजय को सब कुछ सुनाई देने लगा और वो बोलने भी लगा। माँ पापा मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। एलियंस आप लोगों की इस मदद को मैं कभी नहीं भूल सकती, थैंक यू। तुम लोगों को जितना चाहिए उतना बैटरीज हम देंगे। एलियंस की वजह से उनका बेटा बोल पा रहा था, इसलिए खुशी में जीवन ने बहुत सारी बैटरीज खरीद कर उनको खाने के लिए दिया। एलियंस ने उनकी मदद की इसलिए उनके बारे में पुलिस को ना बताकर वे अपने घर में ही छुपा कर रखे। दो दिन में डॉक्टर आनंद कार से आए। जीवन जीवन उनका यहाँ रहना खतरा है, वे लोग एसिड खा रहे हैं, उनकी एनाटॉमी लाइफस्टाइल बहुत ही अजीब है। श्वास के रूप में उनके द्वारा छोड़ी गई केमिकल गैस को श्वास के रूप में लेने से पृथ्वी पर जो प्राणी है उनके लिए हानिकारक है। उनके खून में खतरनाक एसिड्स है, उनके द्वारा विसर्जित किए गए बॉडी फ्लूइड्स और मलमूत्र की वजह से पौधे मर जाएंगे। जीजाजी वे बहुत अच्छे हैं, एक टच से संजय बोलने लगा। प्लीज उन्हें कुछ मत करना, सिर्फ दो ही तो हैं, उनसे कुछ खतरा नहीं हो सकता। पुलिस न्यूज और आपके स्पेस सेंटर वाले को मत बताना। हाँ भैया वे बहुत ही अच्छे हैं, प्लीज। क्या तुम लोग पागल हो? वे सिर्फ अभी दो हैं, वे हमारी अर्थ लोकेशन को उनके ग्रह वालों को सिग्नल देने से लाखों की संख्या में आएंगे, पूरी मानव जाति तबाह हो जाएगी, इस भूमि पर कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी, और क्यों आएंगे? यहाँ से जा नहीं सकते, सिग्नल नहीं दे सकते, उनकी स्पेसशिप टूट गई है ना। उनकी स्पेसशिप अभी कहाँ है?
उस दिन हम लोग उनके स्पेसशिप को घर के पीछे वाले गैरेज में रख दिए हैं। आनंद वहां के कुछ फोटोज लेकर अंदर से स्पेस डस्ट को कलेक्ट करके वह अपने लैब में चला गया। वो वहां से कलेक्ट की हुई कुछ मेटल पर एलियंस के बारे में कुछ सोच विचार कर रहा था। वह वहां की कलेक्ट की हुई मेटल पर और स्पेस डस्ट पर कुछ रीडिंग नोट कर रहा था। पास में रखी अपनी डायरी में कुछ लिख भी रहा था। नहीं नहीं, उन्हें तुरंत खत्म करना होगा, वरना इस भूमि पर एक भी प्राणी नहीं बचेंगे। ऐसा कहते हुए स्पेस रिसर्च सेंटर को इन्फॉर्म करने के लिए फोन करने ही वाला था। आनंद जीवन को कॉल करके भी बताने वाला था। इससे पहले ही आनंद को बहुत ही क्रूर रूप से मारकर पूरी लैब को जलाकर राख कर दिए। जीवन के घर के पीछे में ट्रैक्टर शेड में छुपाकर रखी हुई उनकी स्पेसशिप वे लोग छुपकर रिपेयर कर रहे थे। की बातें छुपकर सुन रहा था। तुरंत अपने माता पिता के पास जाकर वो उनको सारी बातें बता दिया। माँ, पापा, वे अपने स्पेसशिप की रिपेयर कर रहे हैं। हमारा भूगर्भ उन्हें बहुत पसंद आया है। उनके जैसा एलियंस उनके शहर में करोड़ों में है। उनको भी इस भूमि पर लाने की सोच रहे हैं। आनंद मामा उनको रोकना चाहते थे, इसलिए उन्हें वे मार दिए हैं। हे भगवान, मेरे भैया को मार डाला है। इतने दिनों से ये एलियंस बहुत अच्छे हैं करके मैं सोच रही थी। उनकी भाषा तुम्हें कैसे समझ में आ रही है बेटा? वे कुछ आवाजें कर रहे हैं ना? पता नहीं, मैं जब से सुन पा रहा हूँ तब से मुझे उनकी भाषा समझ में आ रही है पापा। मैं भी उनकी वजह से तुम सुन पा रहे हो और बोल पा रहे हो, इसलिए शायद तुम उनकी साउंड को समझ पा रहे हो। जीवन ने तुरंत जाकर पुलिस को एलियंस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। क्या एलियंस? तुम कौन हो? मजाक कर रहे हो? कोई एलियंस वेलियंस नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इंस्पेक्टर साहब, मैं जीवन हूँ, J&J का ऑनर। अच्छा, आप हो? सॉरी सर, हम अभी आ रहे हैं। पुलिस कोई प्रैंक कॉल सोचकर सिर्फ दो ही लोग गए, लेकिन एलियंस को सच में देखकर वे लोग डर गए। ये सब कुछ देखकर जीवन तुरंत ही मधु और संजय को लेकर स्टोर रूम के अंदर छिप गया। पिताजी, यदि वे अपनी स्पेसशिप को रिपेयर करके यहाँ से चले गए तो उनसे हमें कोई नहीं बचा सकता है। वे पुलिस को तो मार डाले, अब किसको इन्फॉर्म करें? मेरे भैया बताए हैं ना न्यूज चैनल्स को इन्फॉर्म करने के लिए। पुलिस के बाद मैंने उनको भी कॉल किया, बट वे लोग प्रैंक कॉल समझ रहे हैं। कितना समझाने पर भी वे नहीं माने। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, अगर मेरे भैया होते तो अच्छा होता। माँ, उइजा नामक स्पिरिट गेम से मामा की आत्मा से बात कर सकते हैं। माँ,
वो बोट स्टोर रूम में ही होना है। इस प्रकार ओइजा बोट से उसके मामा की आत्मा को बुलाने पर साइंटिस्ट आनंद की आत्मा प्रत्यक्ष हुई। तुम्हारी आइडिया सुपर है संजय, वेरी गुड। तुम लोगों को उन्हें कैसे मारना है ये बताने के लिए मैं यहाँ कब से आत्मा बनकर घूम रहा हूँ। समय पर तुम ही लोग मुझे बुलाए, अच्छा हुआ। टाइम नहीं है, जल्दी से उन्हें खत्म करो वरना वे इस धरती को पूरी तरह से नाश कर देंगे। उन्हें क्यों मारना भैया, उन्हें अपने हाल में छोड़ देते हैं। तुम लोगों को उनके बारे में कुछ खास बात बतानी है। सुनो, उनके एनाटॉमी, स्पेस डस्ट, उनके शिप के लिए यूज किए गए मेटल, मैंने सब कुछ स्टडी किया। वे हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है। उनके ग्रह में स्पेस नहीं है, इसलिए दूसरी ग्रह की खोज में यहाँ आए हैं। वे जाकर करोड़ों एलियंस को लेकर आएंगे। उनके द्वारा छोड़ी गई वायु जहरीली होती है, उनके द्वारा विसर्जित की गई फ्लूइड्स को छूने से हम मर जाएंगे। यदि आप लोग उन पर दया दिखाएंगे तो आप लोगों की वजह से लोगों की जानें चली जाएंगी। जाइए, जाकर उन्हें मारिए। जीजाजी, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को उनके शरीर में इंजेक्ट कीजिए, वह उनके शरीर का एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, तब ये मर जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है? वो कहाँ मिलेगी? बेकिंग सोडा, उसे पानी में मिलाना है, उसे उन एलियंस को इंजेक्ट करना है। जल्दी जाओ। अभी बेकिंग सोडा लाने का समय कहाँ है? हम लोगों के किचन में बहुत सारा है, केक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। जीवन और मधुमिता, रसोई घर में जाकर बेकिंग सोडा लाकर उसे इंजेक्शन सिरिंज में भरकर उन्हें इंजेक्ट करने के लिए धीरे धीरे शेड में जा रहे थे। एलियंस इनके शेड में जाने की बात पर ध्यान ना देकर स्पेसशिप को जल्दी जल्दी रिपेयर कर रहे थे। पीछे से आकर इंजेक्ट करने वाले ही थे, लेकिन उनको मालूम पड़ गया। वे हाथों से दोनों को दूर फेंक दिए और दोनों बेहोश होकर गिर गए। एलियंस अपने शिप को रिपेयर करने में बिजी थे। शिप रेडी हो गई। सिग्नल देने के लिए बटन दबाने पर शिप पर एक लाइट ऑन हुई। यहां संजय यह सब कुछ छिप कर देख रहा था। संजय को एक आइडिया आया। बेकिंग सोडा को बैटरीज में भरकर कुछ नॉर्मल बैटरीज और बेकिंग सोडा बैटरीज को एलियंस के सामने ले गया। संजय को एलियंस पसंद करते थे, इसलिए संजय को पास आने दिए। संजय पहले नॉर्मल बैटरीज दिया, वे खा लिए। दूसरे बेकिंग सोडा से भरी बैटरीज को दिया, वे मुंह में लगाते ही उसमें का बेकिंग सोडा वाटर उनके पूरे शरीर में फैल कर उनके शरीर की पूरी एसिड न्यूट्रलाइज हो गई और दोनों एलियंस जोर से चिल्लाते हुए हरे रंग के द्रव्य में बदल कर वहीं के वहीं मर गए। संजय के स्पेस शिप के बटन को दबाते ही सिग्नल रुक गई। थोड़ी देर बाद मधु और जीवन को होश आया। संजय की समझदारी से मधु, जीवन और आस पड़ोस के सभी लोग बहुत तारीफ किए। यह सब कुछ न्यूज चैनल वालों को जब पता चला तो वे लोग वहां आए। साइंटिस्ट आनंद मरने से पहले उनकी पूरी डिटेल्स उनके मेल में जतन करके रखे थे। ये बात उनके रिसर्च सेंटर में जब पता चली तो एलियंस के डेड बॉडीज को और स्पेसशिप को अपने कब्जे में ले लिए। सब लोग बच गए। इस बात से सब लोग लंबी लंबी सांस लेने लगे।